नमस्कार, मैं हेमंत सावंत। किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कोठारा वार किया जाता है, कभी मूवी के नाम पर, कभी प्रोग्राम के नाम पर, कभी कोई कॉमेडी शो के नाम पर, तो कभी स्टेज प्रोग्राम के नाम पर, तो कभी बड़ी बड़ी फिल्मों और पिक्चरों के नाम पर। तो देखिए किस तरीके से अभी पठान मूवी निकली है, किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मूवी में दर्शाया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, इससे पहले पीके आई थी, पीके के अंदर किस तरीके से मजाक उड़ाया गया था, तो हमारे दो पीठ के जो शंकराचार्य जी, जो गुरु जी है, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से विरोध भी किया था। अभी हाल ही के जो शंकराचार्य जी है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो भी इस पठान मूवी का जो है कसकर विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने धर्म सेंसर बोर्ड का निर्माण किया है। मैं बताना चाहूँगा, धर्म सेंसर बोर्ड जो है, जिस तरीके से सेंसर बोर्ड जो है फिल्म को रिलीज करती है, धर्म सेंसर बोर्ड जो है, जो पिक्चर या प्रोग्राम रिलीज होगा उसमें अगर कोई भी हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, उसका खुलकर विरोध किया जाएगा, डिबेट बैठी जाएगी और मीडिया में बोला जाएगा, और उस मूवी पर बैन लगाया जाएगा। सिर्फ बैन ही नहीं लगाया जाएगा, उसके जो कर्ता धर्ता होते हैं, जो उनके प्रोड्यूसर है या जो हीरो हीरोइन है जिन्होंने इसका मजाक बनाया मूवी के अंदर, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई इस हद तक की जाएगी जब तक कि उसे कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म का जो मजाक है ओह माय गॉड में भी उड़ाया गया था, आपने देखी होगी, पीके जो आमिर खान ने बनाई थी उसमें भी, और पठान जो है, ऐसी कई मूवी जो है वो रिलीज हुई है जिसमें हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ाकर, हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाकर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जो कि अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हेमंत सावर आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रोग्राम हो, सीरियल हो, कॉमेडी शो हो, स्टेज प्रोग्राम हो, या फिर बड़ी बड़ी मूवी हो, भाई वो कितने ही करोड़ रुपये की हो, उसका जमकर विरोध किया जाएगा और उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। सिर्फ FIR दर्ज ही नहीं की जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, मैं बताना चाहूँगा। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, और जितने भी जन मेरी क्लिप को देख रहे हैं, कृपया करके उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता चले हिंदू जाग चुका है, सोया हुआ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ये हिंदुओं के दिल की और हिंदुओं की दया थी जो कि अभी तक ये लोग छुप रखे थे, और इस तरीके से ही अगर धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो समय दूर नहीं है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि इन लोग की वजह से कुछ अच्छे लोग भी जो फिल्म बनाते हैं वो भी पीछे जाएंगे, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, सिर्फ पिक्चर में जो हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर या निर्माता जो भी है उसी को नहीं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा जो कि इस प्रोग्राम में शामिल है, जो मूवी बनाते हैं प्रोड्यूसर है उनको भी रखना पड़ेगा, जो कोई भी प्रकार की मूवी बनाते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी कसकर विरोध करना चाहिए। अगर वो भी नहीं करते हैं विरोध, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कि हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुओं की देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुओं की देवी देवताओं को नग्न बताया जा रहा है, उनका बहुत ही घातक तरीके से देवी देवताओं का जो हार्स का जो प्रदर्शन है उस तरीके से किया जाएगा, तो वो समय दूर नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि बहुत ही जोरदार तरीके से कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। इस चीज़ का उनको ध्यान रहना चाहिए, भलाई वो निर्माता हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर हीरो हीरोइन हो, या फिर कोई भी हो, फिल्म के जो कारदार है, जो फिल्म के कलाकार है, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई होगी वो सोचने लायक नहीं रहेगी, उनके सोच से भी ऊपर रहेगी। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, धर्म सेंसर बोर्ड जो है वो पूरी तरह एक्टिव है, पूरे भारत में एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, धर्म सेंसर बोर्ड जिस तरीके से सेंसर बोर्ड है, उसी तरीके से स्वामी जी ने धर्म सेंसर बोर्ड जो बनाया है उस पर वो कमेटी जब कार्रवाई करेगी तो फिर वो पीछे नहीं हटेगी, जब कदम आगे बढ़ जाएगा तो पीछे हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मैं ये बात आपको बता देना चाहूँगा, और उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं इसी के साथ हेमंत सावर, हेमंत TV चैनल, मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने मन की बात
दिल की बात कमेंट जरूर करें ताकि लोगों को पता चले कि आपके दिल में क्या है। अगर मैं गलत हूँ तो भी सही आप गलत बोल सकते हैं, और सही हूँ तो भी आप अपने मन की बात आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है और सभी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बताना भूल गया, धर्म सेंसर बोर्ड जो बना है वो मामूली बोर्ड नहीं है। आपको ये बात जानकारी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, शायद मैं आप लोगों को मेरी बात कैसी लगती है नहीं लगती है वो आप जाने। जो मूवी हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध बनेगी और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाएगा, कम से कम 100 करोड़ रुपया। देखिए आजकल करोड़ों रुपया जो है मूवी में बनाने में लग जाते हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम उसके ऊपर मान हानि का जो दावा होगा वो 100 करोड़ रुपये का होगा। ये बात मैं बता देता हूँ, 100 करोड़ रुपया पेमेंट करना पड़ेगा उनको। कोर्ट कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, सारे काम होंगे, और 100 करोड़ रुपये का मान हानि का दावा भी दिया जाएगा। जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, जो वहाँ के कलाकार है, वो पहले ही सोच ले कि अगर हिंदू सनातन धर्म का मजाक किसी भी मूवी प्रोग्राम में, ड्रामा में, स्टेज प्रोग्राम में अगर किया जाएगा या कॉमेडी शो में किया जाएगा तो कम से कम 100 करोड़ रुपया उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसका दावा यह है, क्योंकि मान हानि का दावा 100 करोड़ रुपया कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। इस चीज़ को वो कान खोल कर सुन ले, ये धमकी नहीं है, वार्निंग नहीं है, ये सच्चाई है। इस चीज़ को आपको रूबरू होना चाहिए क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल और पठान पिक्चर का मैं विरोध भी करता हूँ, और ऐसे आने वाली कोई भी फिल्म जो कि हिंदू सनातन धर्म का विरोध, हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक और हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध खिलवाड़ और उनके साथ छेड़खानी करने वालों का ऊपर पेनल्टी लगेगी, मानहानि का दावा लगेगा, कम से कम 100 करोड़ रुपया तो पक्का लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट खोल सकते हैं। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।